हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मिस मल्टी अड्डा और मैं हूँ मीनाक्षी। तो दोस्तों, आज मैं पेंटिंग ब्रशेस का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि ब्रोस्ट्रो कंपनी का मैंने ख़रीदा है, और ये बहुत ही लॉन्ग ब्रशेस मैंने ख़रीदा है जो कि मेनली वाइट ब्रिस्टल्स के हैं और ऑयल एंड एक्रिलिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। टोटल इसमें इतना 10 पीसेस हैं। और यहाँ पे मुझे क्या क्या ब्रशेस हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। राउंड ब्रशेस और ब्राइट ब्रश, फ्लैट एंड फिल्बर्ट ब्रशेस हैं। आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगे। तो टोटल क्वांटिटी इसमें 10 ब्रशेस के आते हैं। और इसके जो ब्रिस्टल्स हैं ये वाइट हॉग ब्रशेस के हैं, हॉग हेयर्स के, सॉरी। तो यहाँ पर क्या क्या केयर लेना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ कुछ ब्रश केयर लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि क्लीन योर ब्रश इमिडिएटली आफ्टर यूज़, देन बिटवीन पेंटिंग सेशन क्लीन योर ब्रशेस विथ ब्रश क्लीनर और सोपी वाटर और शैम्पू, अवॉइड स्क्रबिंग वाइल क्लीनिंग। देन थर्ड वन, डोंट गेट पेंट ऑन द फ्यूरल। देन डू योर बेस्ट टू क्लीन द बेस ऑफ द ब्रिस्टल्स। नेवर स्टोर योर ब्रशेस वर्टिकली इन द वाटर और सॉल्वेंट। स्टोर क्लीन ब्रशेस वर्टिकली, हेड अपसाइड और हॉराइजेंटली। तो मैं आपको इसको डिटेल बता दूंगी। ये मुझे टोटल पड़ा है 597 रुपीज़। तो दोस्तों, मैं इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे तो दोस्तों हॉग हेयर ब्रश बहुत ही पसंद है, और ये ब्रश तो आप कहें तो नॉर्मली अगर आप सिंगल बाय करते हैं तो वैसे में भी आर्ट स्टोर में मिल जाते हैं, पर लॉकडाउन की वजह से मैंने ये पूरा सेट ख़रीद लिया और मैंने सोचा क्यों ना आपको ये दिखाऊं और शेयर करूं हॉग हेयर के बारे में, जो ब्रिस्टल्स यूज़ करते हैं हम लोग ऑयल पेंटिंग्स में। मैं पर्टिकुलरली ऑयल पेंटिंग्स के लिए हॉग हेयर ब्रश यूज़ करती हूँ और सिंथेटिक नायलॉन हेयर के भी ब्रश यूज़ किया करती हूँ, नेचुरल हेयर्स भी यूज़ किया करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये राउंड ब्रश है और 0 नंबर का है। टोटल इसमें आपको राउंड ब्रश के 3 ब्रशेस मिल जाएंगे। एक तो है 0 नंबर और दूसरा है 2 नंबर और 6 नंबर के। तो इसके ब्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा जो गमिंग का रहता है अटैच होकर, उसी का ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसको आप वाटर में थोड़ी देर भिगो के पानी में रिलीज़ कर सकते हैं। ब्रश के जो ब्रिस्टल टाइट होते हैं उसको आप सॉफ्टन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 और 2 नंबर का दिखा दिया है। और ध्यान रखें, जब भी कोई आप ब्रश वगैरह खरीद रहे हो तो उसको थोड़ा सा पिंचिंग करके हल्का सा जस्ट खींचे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो आप ब्रश खरीद रहे हैं वो अच्छे क्वालिटीज़ के हैं या नहीं। और यहाँ पे दूसरा है ब्राइट का ब्रश, और ब्राइट वाला मैंने यहाँ 2 नंबर लिया है। दूसरा भी है यहाँ पे 2 नंबर एंड 4 नंबर एंड 10 नंबर के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्राइट ब्रश तकरीबन फ्लैट ब्रश के आसपास भी रहता है, पर आप इसको किस तरह जानेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ब्राइट ब्रश में आपका जो टिप होता है वो हल्का सा क्लोज्ड होकर रहता है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा क्लोज्ड होकर रहता है। और इसका जो बड़ा साइज़ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा उसका बड़ा साइज़ ब्राइट ब्रश का, 10 नंबर है। तो ये 3 सेट है ब्राइट ब्रश का, 3 ब्रशेस इसमें दिया जा रहा है और 3 ब्रश राउंड के हैं। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा इसका राउंड ब्रश का, मैं दिखा देती हूँ। ये 3 राउंड ब्रश के हैं और 3 ब्राइट ब्रश।
थोड़े यहाँ पर स्टिफनेस नज़र आता है दोस्तों। आप नॉर्मली जब नायलॉन ब्रशेस यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ होता है, पर यहाँ पर थोड़ा उसके जो ब्रिस्टल्स होता है थोड़ा टाइट रहते हैं, क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग के लिए स्टिफनेस रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पेंटिंग करने के लिए बहुत ही ईजी रहे और डिटेल्स वगैरह करने के लिए भी आपको ईजी रहे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर मेरे पास है अभी फ्लैट ब्रश। तो फ्लैट ब्रश कुछ इस तरह होता है। फ्लैट ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो पूरा स्ट्रेट रहते हैं, जबकि ब्राइट ब्रश में उसका टिप हल्का सा क्लोज्ड होकर रहता है। और यहाँ पे मेरे पास फ्लैट की दो ब्रशेस ही हैं, 2 और 8 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ मैं 2 नंबर दिखा रही हूँ आपको। इसका ब्रिस्टल्स वैसे तो बहुत अच्छे हैं, हल्का सा डस्टी टाइप ब्रिस्टल्स निकल रहे हैं, 1 या फिर 2 निकलते ही हैं, पर बहुत अच्छी क्वालिटी की ये ब्रशेस है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फिल्बर्ट ब्रश। तो फिल्बर्ट ब्रश भी मुझे यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक तो 2 नंबर और एक 3 नंबर है, सॉरी एक तो 2 नंबर और एक 10 नंबर है। तो यहाँ पर 2 और ये वाला जो 10 नंबर का है, ये वाला वॉशेस के लिए यूज़ हो जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही स्मूथ होकर है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी मेरा फिल्बर्ट ब्रश बहुत ही फेवरेट रहता है ऑयल पेंटिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रशेस। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फिल्बर्ट ब्रश सिंगल मंगवाया था भुवनेश्वर से, तो मैंने जो क्वालिटी उसका टेस्ट किया, तो सिंगल वाला जो मैंने भुवनेश्वर से मंगवाया था वो फार बेटर था ब्रूस्ट्रो के ब्रशेस से। और दोस्तों इसका जो लेंथ है, ब्रश का लेंथ, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैंडी है, यानी कि पेंटिंग करने के लिए डिस्टेंस से बहुत ही ईजी रहेगा। और मेनली मुझे थोड़े लॉन्ग हैंडल्स के ही ब्रशेस बहुत ही पसंद आते हैं। ये आपको डिटेलिंग्स वगैरह करने के लिए भी बहुत इजी रहता है, और ज़्यादा आपको इसमें प्रेशर नहीं देना पड़ता है, आप इजीली कर सकते हैं। मैं कहूँगी ये बहुत ही बेस्ट है। आउट ऑफ 10 मैं इस ब्रशेस को, ब्रश सेट को पूरा 8 देना चाहूँगी। और मैट फिनिश हो के बहुत अच्छा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ मूव करके, पूरा स्टडी होकर रह रहा है, ऐसा नहीं है कि लूज़ कुछ भी लूज़ फिटिंग वगैरह हो, ये पूरा मैट फिनिश हो के बहुत ही स्मूथ हैंडी आ रहा है ये वाला पेंट, मतलब पेंटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बिगिनर हैं या फिर यानी कि मिड बिगिनर हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इतने के प्राइस में आपको अगर हॉग हेयर ब्रश ख़रीदने हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे मुताबिक। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तब भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स वगैरह दे दूँगी, लिंक्स वगैरह डाल दूँगी। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको एक्रेलिक पेंटिंग्स के कुछ एग्जांपल्स देखना है तो आप प्लीज़ आई बटन को दबा सकते हैं और लिंक में जाके मेरे वर्क्स देख सकते हैं। और ये इस चीज़ का रिव्यू आपको कैसा लगा है ब्रूस्ट्रो कंपनी का, प्लीज़ बताइए। अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके। दोस्तों जल्द से जल्द मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देना ना भूलें सब्सक्राइब करके। टिल देन बाय बाय।